आदाब नमस्कार, मैं हूं इदरीस जेके और आप देख रहे हैं हमारा फेवरेट चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जी जहां पर हो रहे भाजपा हराओ राष्ट्रीय महागठबंधन के संस्थापक डॉक्टर दुबे द्वारा तीसरे अभियान के अंतर्गत एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर उन्होंने एक ज्ञापन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को और दूसरा ज्ञापन गृह मंत्री अमित शाह को ऑनलाइन द्वारा दिया गया। देखें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। सारे सुप्रीम पार्टी से सभी मिलजुल के संबंध में क्या हो रहा है ये आप सबों के सामने में आप आग्रह करूंगा कि अपने विचारों से अवगत करें। जहाँ की महिलाओं के साथ पिछले वर्ग बड़ी क्या मौके पर और एक क्लास के बच्चे इंटर क्लास में एडमिशन ले उनकी रोजगार मिलेगी। भाई बदतमीजी कर रहे हैं आज भोरे फिर समझ में साथियों आंधी उठाने का जमाना आ गया। हम मंदिर मस्जिद गुट की इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे आने वाली है। कई बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जय भारत जय संविधान। मैं राजबाला सैनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी महिला प्रभारी और पूर्व शिक्षिका दिल्ली सरकार और महिलाओं के और बच्चों के लिए एक एनजीओ भी चला रही हूँ। ईडी और जो दूसरी चीज है पार्टी हमारी मेन भाजपा सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है पार्टियों के, क्या आपकी पार्टी टिक पाएगी उनके सामने? देखिए राजकुमार सैनी जी XMP कुरुक्षेत्र BJP के सांसद थे, जब उन्होंने वो ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलते हैं, जब भाजपा की सरकार थी 2019 में जब प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार आई थी, लेकिन उन्होंने बहुजन OBC के हितों को खाने की जब कोशिश करी तो राजकुमार सैनी ने कहा कि आप कोर्ट की भी अवहेलना करते हैं तो मैं ऐसी पार्टी को नहीं मानता, मैं ऐसी पार्टी को लात मारता हूँ। तब भी ये भाजपा सरकार उनका कुछ नहीं कर पाई। वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है लेकिन उनके इंडस्ट्री को भी काम गुंदा हो सकता है, लेकिन उनको कोई ईडी कोई CBI कोई छापा नहीं मार पाई। राजनीति हो रही है आपकी पार्टी का क्या? देखिए जिस प्रकार की राजनीति हो रही है वो डर है, डर और भय की राजनीति हो रही है। कहीं तो हिंदू मुस्लिम करके डराया जा रहा है, कहीं पाखंडवाद और अंधविश्वास के नाम पर डराया जा रहा है, कहीं व्रत के नाम पर डराया जा रहा है, कहीं ED CBI के नाम पर डराया जा रहा है, कहीं जो है आपको महामारी के नाम पर डराया जा रहा है। तो डर का माहौल चारों तरफ प्रचंड रूप लिए हुआ है। मैम एक बात सुनिए ना, संविधान तो लोकतंत्र संविधान बिल्कुल खतरे में है। BJP सरकार आई 10% जनरल कैटेगरी को आरक्षण दे दिया, ना तो कोई समिति बनी, ना कोई विचार गोष्ठी हुई और ना कोई कोर्ट केस हुआ और पार्लियामेंट में बिल पास हो गया। लेकिन जब जब पिछड़ों की बात आती है तो उनको आरक्षण तो दूर दूर, उनकी गिनती भी नहीं होती है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। इस देश में 90% बहुजन समाज है, उसकी गिनती भी ये सरकार नहीं कराती, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। देश में महंगाई, शिक्षा, इससे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है वो इस देश की शिक्षा को मारने के लिए, हत्या करने के लिए आई है। इस देश में शिक्षा के नाम पर भी पाखंड फैलाया जा रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल में रात को हॉस्टल में 40 पढ़ाई जा रही है। JNU का अगर उदाहरण दूं तो जो प्रेग्नेंट लेडी है कहते हैं कि गर्भ में ही उसको रामचरितमानस पढ़ानी चाहिए ताकि संस्कारी बच्चा पैदा हो। तो इस देश की शिक्षा, अखंडता सब कुछ दांव पे लगी हुई है। अभी एक बयान आया है कि राष्ट्रपति जी ने कहा है कि रामचरितमानस स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। यह हत्या है हमारी। आज देश का निजीकरण हो रहा है, बहुत सारी संपत्तियां बेची जा रही है, क्या मानना है आपका? देखिए बड़ी मुश्किल से पूंजीवाद को
खत्म करके राष्ट्रीयकरण करा गया था, लेकिन मोदी जी ने तुरंत आते ही सारी कंपनियों को बेच डाला, अंबानी अडानी टाटा बिरला, बस वही उनकी जनता। जैसे आप कह रहे हैं ना, वो राम मंदिर बना रहा है, हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अब हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं, मतलब उसका मतलब ये मोदी जी का विरोध हिंदुओं का विरोध है? फिर बहुत आइडिया लेंगे मोदी जी हिंदुओं के। सबसे पहले तो केस आप पे ही कराऊंगी, आप मुझे हिंदू कैसे कह सकते हो? प्रूफ करो ना हिंदू, मैं मैथ्स की टीचर हूँ, प्रूफ करने की हिम्मत हो तो मान लूंगी, अगर किसी बात को प्रूफ नहीं कर सकते तो आप पे केस करूंगी, आपने मुझे हिंदू क्या कह सकते? वो कह रहे हिंदू विरोधी, फिर आप बात कर रही, मतलब ही करी ना, होना चाहिए। और जितने भी हमारे स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, रॉ हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। लेकिन आज सत्ता पर उनको जेब में अपनी चीज रखनी है, और न्यायपालिका भी इनके जेब की चीज है, इनको बंद लिफाफे भेजे जाते हैं, इनको दबाव दिया जाता है। ये शुक्र है कि हमारे सीबीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ईमानदार है और उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो आज इनकम टैक्स आपको डरा करके हमारे नौजवानों को, हमारे छोटे मंझोले भाइयों को डरा करके ये जेल में भरना चाहते हैं, आप दुआ भी को जेल में भर दे, भर दे, आपकी आवाज जाएगी भर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा है डीजी को, जैन साहब को जेल में फोन कर दिया, मेरे लिए रूम तैयार रखो, मुझे भी दुराने आवाज जो मोदी का देखा, जो अपनी आवाज को देना चाहता है, जो एक आजादी का आर्टिकल 19 और 21 का ये जो अवहेलना करते हैं, क्या ये संवैधानिक काम कर रहे हैं? हमने कहा देश का प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर चुनाव का प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन जनता अब धीरे धीरे जाग गई है, सोई हुई अवस्था में जागने लगी है, और हम मानसिक गुलामी से 1500 सालों से हम गुलाम रहे, कभी राजाओं का, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, अब अंग्रेजों के कुछ जो बच्चे खच्चे हैं उनके हम गुलाम हैं, मानसिक गुलाम हैं, उसे निकलने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो उसके लिए हमारे जो मीडिया भाई हैं, हमारे सोशल मीडिया है, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो वकील हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, अब जाग गए हैं, और इसको हम लोग हर दिन प्रतिदिन भारत के तमाम कार्यक्रम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये आने वाले दिन में हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार 272 से नीचे हो। और हम आपसे लगातार बात करते हैं, अभी आपने कहीं ना कहीं आज जनता की जय जयकार इनके प्रमुख से सुना आपने, आप जब अधिकारों की होती है अब लोग अपने अपने अधिकार जो है सफल होता और प्रयास ही विफल होता, न सफलता पर अफसोस है, न सफलता पर खुशी है, न विफलता पर अफसोस है, बल्कि प्रयास मेरा सामाजिक धार्मिक कर्तव्य है, वो हम कर रहे हैं। आज असल में मेरी आवाज आप लोग देख रहे हैं, मैं कनाटन वाला हूँ, आज ढबाढब हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, मुफलिसी, मॉबलिंचिंग, ये सारे मुद्दे हैं। हम चाहते हैं सरकार में जो लोग बैठे हैं वो, और जो विपक्ष में हैं वो, दोनों लोग जो असल मुद्दे हैं देश के उस पर बात करें। ये हिंदू मुस्लिम, ये अमारधार, ये मॉब लिंचिंग, ये उसको भगा देंगे, उसको रख लेंगे, ये मुद्दा नहीं है। कोई भारत से नहीं भाग रहा, कोई नहीं जा रहा, सब यही रहेगा, सब भारत का नागरिक है, न कोई हिंदू यहाँ राष्ट्र बनने जा रहा, न कोई मुसलमान पाकिस्तान जा रहा, ये मुद्दा भटकाने वाला, हमारा मुद्दा है रोजी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब।